तो लवलेश तिवारी महाराज हमारे कैमरे के सामने इस समय है और इन्हें छोड़ दिया गया है। महाराज जी मास्क हटा लीजिए, जरा मास्क हटा लीजिए। ब्रह्मेंद्र धाम की तस्वीरें देख पा रहे हैं दोस्तों। अभी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से रिहा करने का मामला ठीक से शांत भी नहीं हो पाया कि एक बार फिर बीजेपी राज में नारी सशक्तिकरण की नई तस्वीर सामने आई है। आपको याद होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से महिलाओं को सम्मान स्वाभिमान और इज्जत देकर वजन से मानो ला दिया हो और महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि आखिर इतने स्वाभिमान और इज्जत को हम कहां रखेंगे, तो दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उन बलात्कारियों का फूलमालाओं से स्वागत किया जाता है, मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों की नजरों में महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। जी हां साथियों, मुख्यमंत्री शिवराज मामा के राज्य मध्य प्रदेश से भी एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बलात्कारियों को जेल से निकालने पर खूब स्वागत हुआ। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। इन संघियों का जो घिनौना चेहरा सामने आया है वो मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है, जहां 24 अगस्त को बलात्कार के आरोपी के जेल से रिहा होने पर आरोपी का फूलमालाओं से स्वागत होता है, नारेबाजी की जाती है, जश्न मनाया जाता है। तो लवलेश तिवारी महाराज हमारे कैमरे के सामने इस समय है और इन्हें छोड़ दिया गया है। महाराज जी मास्क हटा लीजिए, जरा मास्क हटा लीजिए। पंडित लवलेश तिवारी हमारे सामने है, पीठाधीश्वर ब्रह्मेश्वर धाम सरकार। महाराज जी मास्क हटा दे तो अच्छा होगा, एक बार दर्शन कर लेंगे लोग आपके। भैया हमने तो अपना भाई माना है, दोस्तों लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर उनके अनुयायी हैं जो भक्त हैं, फूल मालाएं पहनाकर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको महाराज जी, आप छह महीने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। अब हम बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर है, उनसे बात भी करेंगे। आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले ब्रह्मोसर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य लवलेश तिवारी जी हाँ, नाम गौर से सुन लीजिएगा, लवलेश तिवारी पर एक महिला ने बलात्कार के आरोप लगाया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में खास करके छतरपुर में ओबीसी महासभा ने पुरजोर विरोध किया था और धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद लवलेश तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में 24 अगस्त को कथित बाबा लवलेश तिवारी को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई होती है और उसके बाद का नजारा आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। लगता है वाकई हमारा देश विश्व गुरु बन गया है और विश्व गुरु बनने के साथ ही हमें पता भी नहीं चला कि न जाने कब उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश में जहां भले ही शिवराज हो लेकिन तस्वीरों से तो लगता है कि अब तो रामराज आ ही गया। जिस प्रकार से होलिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद देश में जश्न मनाया गया और उस दिन से आज तक होली जैसा अश्लील कृत्य हम पर त्योहार के रूप में लाद दिया गया, चलो अच्छा है कम से कम देशवासियों को ये तो पता चलेगा किस प्रकार का कृत्य करने के बाद इनके मन दिल और दिमाग में क्या चलता है। इस पूरी खबर को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और आप देखते रहिए जनता आवाज और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।